केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज बागपत के छपरौली पहुंचे। यहां उन्होंने स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। जयंत चौधरी के मंत्री बनने के बाद बागपत में प्रथम बार आगमन, आरएलडी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने जनपद वासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जल्द ही बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया। वन इलेक्शन वन नेशन पर कहा कि जनता को विश्वास रखना चाहिए कि सरकार लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के फैसले ले रही है। अखिलेश यादव के बयानों पर कहा कि उन्हें सिर्फ ट्वीट करना आता है, उनका हक है जितने चाहे ट्वीट करें। मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को पत्र लिखने पर चुटकी ली और कहा कि राजनीति में अक्सर इस तरह के लव लेटर चलते रहते हैं। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर कहा कि वो एक खिलाड़ी हैं, अगर खेलेंगी तो वो उनके लिए ताली बजाएंगे। हालांकि अब विपक्ष में चुनाव लड़ रही है, सरकार किसानों से वसूली न करे। चौधरी जयंत ने यूपी सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों से वसूली न करे, उनका ख्याल रखे। आयुष्मान के तहत 70 साल के बुजुर्ग का इलाज और 1,00,000 करोड़ की लागत से अनुसंधान केंद्र सरकार की योजना मुझे सबसे अच्छी लगी। छपरौली में हम लोग खड़े हैं और छपरौली के लोगों ने हमारे दल को, मुझे, मेरे परिवार को हमेशा ताकत दी और आशीर्वाद दिया। तो मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ, देने का सामर्थ्य क्या है मुझ पर कि मैं छपरौली को क्या दे दूंगा। तो छपरौली के लोग हमेशा मुझे देते आए, आज भी दिया। थोड़ा बहुत काम हम कर पाए हैं NSDC के माध्यम से, मेरे मंत्रालय के माध्यम से। यहाँ के बच्चे, उनका एक बड़ा आकर्षण है जो बेल्ट की नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियों में रुचि लेते हैं, उसमें भाग लेने के लिए वे अपने कसरत भी करते हैं, दौड़ते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं, लिखाई पढ़ाई भी करते हैं। उनके लिए कोई सुविधा आज तक इस क्षेत्र में नहीं दी गई। तो आप देख सकते हैं आउटडोर जिम बनाया गया है, एक रनिंग ट्रैक अभी तो कच्चा है, उसको भी मैं सिंथेटिक ट्रैक अपने निधि से बना रहा हूँ, और इंडोर जिम की व्यवस्था है, इंडोर लैब है, दो हमने डिजी लैब यहाँ साथ में जो संस्था है वहाँ दिए हैं, और दो स्किल रथ, ये भी अनोखी चीज़ है, इससे पहले इस क्षेत्र ने नहीं देखी हो। दो बस हैं जिनके अंदर क्लास होंगी, 25-25 के एक बैच होगा बच्चों का एक रथ में, और उनको 2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग तरह के हमने कोर्स डिज़ाइन किए। और तकनीकी शिक्षा में, साइबर सिक्योरिटी में जो फ्यूचर स्किल्स हैं, वो फ्यूचर स्किल्स को बच्चों को सिखाने के लिए फ्यूचर स्किल्स सेंटर भी हमने स्थापित किया। तो एक शुरुआत है छपरौली के लोगों के लिए, युवा शक्ति के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने।